बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाड़ी है टोयोटा वेड्स, 2000 मॉडल है ये गाड़ी। में गाड़ी वाले की क्लेम है कि गाड़ी पेट्रोल ज़्यादा खा रही है और चेकिंग लाइट उसमें नहीं आ रही कोई भी, तो इसको चेक करते हैं इंजन में, जबकि दो कोड इसके आ रहे हैं, तो ये चेक कर लेते हैं। गाड़ी पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा खा रही है और गाड़ी मैंने स्टार्ट करता हूँ तो इसके लिए यहाँ पे चेक इंजन लाइट वैसे स्विच के साथ शो कर रही है, लेकिन जब मैं स्टार्ट करता हूँ सलफ के साथ ही बंद हो जाती है इसकी चेक इंजन लाइट। अभी इसमें ये चेक करते हैं कि ये जो इंजन में दो कोड आ रहे हैं तो वो किस चीज़ के हैं, वो चेक करने के बाद पता चलेगा कि गाड़ी में मसला क्या है। इसमें ये कोड आ रहा है, एक ऑक्सीजन सेंसर हीटर सर्किट बैंक वन सेंसर वन, और एक आ रहा है वी टेक सेंसर का, तो इसको एंटर करके रीड फॉल्ट कोड रीड किया। अभी भी टी सेंसर का आ रहा है कैम शाफ्ट पोजीशन। हम जिस सेंसर को वीटेक बोलते हैं ये वो सेंसर है, वेरिएबल वाल टाइमिंग वाला, एक तो वो काम नहीं कर रहा और एक ऑक्सीजन सेंसर जो है इसमें वो चेक करना पड़ेगा। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, क्लियर फॉर कोड करके चेक कर लेते हैं कि इसमें कोड क्लियर हो रहे हैं कि नहीं, क्लियर फॉर कंप्लीट मेमोरी, तो ये इस तरह क्लियर हो रहे हैं, जबकि गाड़ी को एक दो दफा स्टार्ट और बंद करके चेक कर लेते हैं। इस गाड़ी की ट्यूनिंग की है किसी ने दो दिन पहले, उसके बाद ये पेट्रोल ज्यादा खा रही है। रीड फॉल्ट कोड किया, तो ये ऑक्सीजन सेंसर का इसमें कोड आ रहा है दोबारा, तो ये चेक कर लेते हैं कि इसमें ये क्या मसला है। गाड़ी में ऑक्सीजन सेंसर नहीं है, इसका कैट निकाला हुआ है किसी ने, ये इसकी वायरिंग पड़ी है और ऑक्सीजन सेंसर इसमें और कैट है ही नहीं, तो इसमें कैट डालना पड़ेगा, साथ ऑक्सीजन सेंसर लगाएंगे तब जाके ये इसकी पेट्रोल की माइलेज ठीक होगी। तो फिलहाल इसमें, क्योंकि ये कह रहे कि पहले पेट्रोल की माइलेज इसकी ठीक थी, तो इसकी हम ट्यूनिंग करके थ्रॉटल वगैरह सर्विस करके वो करेंगे इंशाल्लाह, जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो उस तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।